पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर आए दिन भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहते हैं। हालांकि एक बार फिर उन्होंने भारतीय क्रिकेटरों को टारगेट किया है और बेबुनियाद बात की है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का मानना है कि विराट कोहली को वर्ल्ड कप 2023 के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। दरअसल शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि विराट कोहली को इस विश्व कप के बाद 50 ओवर का मैच नहीं खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें 5 से 6 साल तक और खेलना चाहिए और सचिन तेंदुलकर के 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। कोहली के पास उनके रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। इस वर्ल्ड कप के बाद उन्हें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। गौरतलब है कि शोएब ने विराट कोहली के जिस फॉर्मेट से संन्यास लेने की बात कही है, विराट कोहली ने उसी में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। ऐसे में उनकी इन बातों का कोई तुक नहीं बनता है। बता दें कि शोएब अख्तर का यह बयान सामने आने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी शोएब अख्तर के इस बयान की आलोचना की है। दरअसल एक इवेंट में गांगुली ने कहा कि क्यों विराट कोहली को जिस तरीके से क्रिकेट खेलना है उन्हें उसी तरह से खेलना चाहिए क्योंकि वह अच्छा परफॉर्म करते हैं। बता दें कि ओवरऑल शतक के मामले में विराट कोहली भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के पीछे हैं। वो इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं। विराट के नाम फिलहाल 76 शतक हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें 24 शतकों की और जरूरत है। कोहली ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल भी अब पूरे कर लिए हैं। ऐसे में जब अब शोएब अख्तर का इस तरह का बयान सामने आया है तो लोगों ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी क्लास भी लगाई है। दरअसल शोएब अख्तर ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के किसी बल्लेबाज को टारगेट कर रहे हो। इससे पहले भी उन्होंने कई क्रिकेटरों को लेकर बयान दिए हैं और हर बार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।